हेलो फ्रेंड्स, मुमताज क्रिएशंस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ये बर्तन चमकाने का एक ऐसा सोल्यूशन लेके आई हूँ जिससे आपके किसी भी प्रकार के बर्तन हों, तांबे के हों, पीतल के हों, स्टील के हों, चांदी के हों, सभी साफ़ हो जाते हैं। इसको रात भर पानी में रख के छोड़ दें तो अंदर की गंदगी होती है उसको भी ये बाहर निकाल देता है। जो तांबे के बर्तन में अक्सर देखा हुआ कि आसपास ग्रीन ग्रीन गंदगी जमा हो जाती है तो इससे इजीली निकल जाती है, बिल्कुल नए जैसे लगने लग जाते हैं। तो इस तरह देखिए पानी के टंके में भी ये अंदर जम जाता है वाइट वाइट, तो उसको भी हम इससे साफ़ कर सकते हैं। ये चांदी का गिलास है, इसको भी मैंने साफ़ किया है तो बिल्कुल नया जैसा हो गया है। ये काले काले हो जाते हैं रखे रखे। ठीक फ्रेंड्स, ये पूजा की घंटी है और दीपक हैं पीतल के और चांदी के, ये भी कितने काले हो गए, तो इनको भी हम ऐसे ही डाल के साफ़ कर लेंगे। तो हमारे घर में पूजा में जो भी बर्तन हो, इस तरह से देखिए पूजा की थाली है, इसमें भी ये वाइट वाइट जम जाता है, तो इसको भी मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी। तो आप ये आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। और ये काले काले बर्तन होते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो एक बार हम साफ़ करेंगे तो उनको दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, कितने काले बर्तन थे हमारे, एकदम नए जैसे लगने लगे। तो हम इस सॉल्यूशन में ना तो नमक डालेंगे, ना सर्फ डालेंगे और ना ही इसमें नींबू डालेंगे, एक ही सॉल्यूशन से ये साफ़ हो जाते हैं। और इसको रख दें तो दोबारा काम भी आ जाते हैं। तो हमारे कितने काले बर्तन थे तो बिल्कुल नए जैसे लगने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आएगा कि इस तरह के साफ़ किए मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ट्रिक कैसी लगी। तो ऐसी यूनिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं। हमारे घर में जो सबसे गंदे बर्तन हों पुराने, उनको हम लेंगे। तो बर्तनों के अंदर जो गंदगी जम जाती है उसको भी हम साफ़ करेंगे। ये सॉल्यूशन एक बार हमें इस पर लगाना है तो ये अपने आप ही इसमें से गंदगी निकलने लग जाएगी। तो मैं अंदर बाहर दोनों साइड से इसमें लगा देती हूँ। या तो आप इस तरह लगा दें हाथ से, नहीं तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी अभी मैंने लगाया है और आप अंदर देख पा रहे हो कि हमारा पुराना नया जैसे लगने लग गया है। तो इस सॉल्यूशन को अच्छे से हम लपेट देंगे, इसके ऊपर कोट हो जाना चाहिए और अंदर भी इसमें हम सॉल्यूशन अच्छी तरह से फैला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने ये साफ़ किया है तो बिल्कुल नए जैसा लगने लग गया। अंतर आप देख पा रहे होंगे दोनों में कितना अंतर हो गया। तो ये हाथों हाथ ही साफ़ होता है। अब हम दूसरे लोटे को भी साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह हम अच्छे से हाथ से रगड़ देंगे जिससे गंदगी जल्दी से छूट जाएगी। अगर हमारा बर्तन अंदर से ज़्यादा गंदा हो रहा तो उसमें सॉल्यूशन डाल के हम रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ब्रश ले लें और उसको इस तरह सॉल्यूशन में इसको कोट कर दें तो ये गंदगी हाथों हाथ साफ़ होता जाता है। जो ज़्यादा गंदगी जमी हुई है पुरानी तो उसमें टाइम लगेगा, तो इस तरह हम पानी भर के इसमें रख सकते हैं तो ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों लोटे कितने पुराने हो गए हैं और ये गंदगी से ये बिल्कुल ही काले काले होने लग गए हैं। तो मैं इसको रात भर के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी पानी डाल के। और हमारी यदि ब्रश से साफ़ नहीं हो पा रहा हो तो थोड़ा सा उंगली पर लेके और इसको रगड़ दें तो इस तरह किनारे भी साफ़ हो जाएंगे और गर्दन होती है जो लोटे की वहाँ भी गंदगी होती है। तो मैंने एक नीचे न्यूज़ पेपर रख लिया है जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा, तो वो भी गीला होने लगा है। तो हम एक प्लेट ले लेते हैं तो सभी पर इस सॉल्यूशन लगा के और इसको रखते जाएंगे तो पेपर भी हमारा गीला नहीं होगा। तो मैंने इसमें पानी भर के थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल के इसको एक तरफ साइड में छोड़ दिया है। हमारे पीतल की घंटी है पूजा की, अभी तो हमने तांबे के बर्तन साफ़ करे, अभी पीतल की घंटी भी साफ़ करके बताएँगे। तो इस तरह इस पर भी कोट कर देंगे ब्रश से। अब एक थाली ले लेते हैं और इसमें हम ये लपेट लपेट के एक साइड में रखते जाएंगे। तो इस तरह मैंने ये हमारा चांदी का गिलास भी देखो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, काला काला हो रहा है अंदर से बाहर से। तो इस तरह इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। किसी भी धातु के बर्तन हैं तो साफ़ हो जाते हैं। तो अभी अभी हमने साफ़ किया था तो देखिए फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से रगड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा चांदी का गिलास भी कितना चमकने लगा है। लोटे को भी देखो, हमने 5 मिनट पहले साफ़ किया था तो कितना साफ़ हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें भी पानी भर देते हैं। इसको भी हम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता, जब तक इसको हम पानी में डाल के रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अंदर इसमें ग्रीन ग्रीन कितना पानी जमा हो गया है, ये पानी की गंदगी है। तो इस तरह हम एक बार फिर से वापस से ब्रश फेर देंगे और इसको भी हम रगड़ देंगे चांदी गिलास को, और एक टिश्यू पेपर लेंगे उसको अच्छे से इसको पोंछेंगे। अब ये धोएंगे नहीं इसको क्योंकि अभी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। तो इस तरह हम इसको पोंछ के, आप देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी हमारे बर्तन साफ़ हो गए।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम बता देते हैं मैंने क्या सॉल्यूशन प्रयोग में लिया है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये सिरका बनाने की वीडियो शेयर की थी, ये उसी का ही ये नीचे का पार्ट है। तो ये जम गया है, थोड़ा सा सूखा सूखा हो गया है, इसमें भी हम पानी डाल के इसको गीला कर लेंगे। मैंने ये गन्ने के रस से सिरका बनाया है, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है इसको। तो इस तरह हम गन्ने के सिरका भी बना के और इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो इसका बनाना बहुत ही आसान है, तो इसकी भी पूरी वीडियो देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिरका बन के तैयार हो गया है, अभी इसको छान लेते हैं। तो सिरका बनाने में मुझे 5 से 6 महीने लग गए, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है घर में और बहुत ही सस्ता पड़ता है, बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो इस तरह हम बना के स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छान लिया है, तो मटकी में जो नीचे का रस बच जाता है ये उसी का ही पार्ट है। एक बार और इसको निथाल लेंगे, वही नीचे नीचे का हिस्सा बचेगा जो हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो कोई भी चीज़ वेस्ट हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा इसका क्या करूँ। तो मैंने सोचा बर्तन साफ़ करके देखती हूँ, तो बर्तन इतने अच्छे से साफ़ हुए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये तरीका शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ये सारे बर्तन इसी से साफ़ किए और इसको एक बोतल में भर के रख दें। जब भी हम बर्तन साफ़ करें तो इस तरह से थोड़ा सा सॉल्यूशन लें और इसको साफ़ कर लें। वैसे हमारे एक बार बर्तन साफ़ करेंगे तो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी धातु के बर्तन हो ये अच्छे से साफ़ हो गए हैं और इनकी जो पुरानी चमक है वो वापस लौट आई है। तो इसको विनेगर भी कहते हैं, अगर आपके पास ये सिरका हो तो उससे साफ़ कर लें, नहीं तो इसकी जगह इमली आती है तो उसको भी एक इमली को भिगो दें और उससे सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं और उसके पानी से भी बढ़िया से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन कितने चमक गए हैं। अभी एक बर्तन ले लेते हैं और उसमें इसको साफ़ करेंगे। तो इस तरह से इनको धो लेते हैं, आप नल के नीचे भी धो सकते हैं। तो मैंने आपके बताने के लिए एक कटोरे में पानी ले लिया, इसको सूखे कपड़े से हम साफ़ कर लेंगे। तो देखो कितने अच्छे से चमकदार हो गए। तो फ्रेंड्स, सभी बर्तनों को हम इसको अच्छे से धो लेंगे और सूखे कपड़े से पोंछ दें या टिश्यू पेपर से पोंछ दें। तो फ्रेंड्स देखिए, पानी में हमारा कितना गंदा हो गया है, तो इसको हम फेंक देंगे और इस तरह हमें सारे बर्तन साफ़ कर सकते हैं। वैसे हम और किसी से बर्तन साफ़ करते हैं तो हमें वापस से साफ़ करने पड़ते हैं, पुराने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, लेकिन इससे वैसी कैसी चमक रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी करिए, वो भी फ़ायदा उठा सकें इसका। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि तरीका कैसा लगा। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल का बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। मिलती हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।